चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। क्या बात की थी जिसको सुन के मैं इतना हंसी हूँ। अरे मोमो तुम यहाँ बैठी हो यार, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। ले जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे सारे घर में क्यों ढूंढ रहे थे अफ्तखार? अरे मोमो मुझे क्या पता था। अवश्य इनको यही नहीं मालूम कि इनका नाम अफ्तखार है। अरे नहीं बाबा मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ बैठी हो। ये कौन है? ये जमशेद है। मेरा नाम वसीम है और मैं मोमो की बहुत पुरानी सहेली हूँ। आपका नाम जरूर मर्दाना है मगर आप बहुत प्यारी। शुक्रिया, सब यही कहते हैं। और बताए ना कैसे आना हुआ? अपनी बड़ी सारी गाड़ी में आइए बैठ के खुद चला के। आपको गाड़ी चलाना आती है? हाँ जी, पिछले ही महीने तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लंबी गाड़ी गिफ्ट की है और दो दिन में चलाना भी आ गई। अरे बड़ी बात है भाई, आपको गाड़ी चलाना आती है। मोमो को तो गाड़ी में बैठना ही नहीं आता, पीछे जाके डिक्की में बैठ जाती है। आप ना नसीम के सामने मेरी वो नहीं करें। मुमताज अपने शौहर से ऐसे बात नहीं करते। मेरा शौहर है, तुझे वो क्यों उठ रहे? वो क्या? मुझे मार खाने से उठता है बच्चू। दर्द? हाँ हाँ दर्द। चल तो इधर से पकड़ अपना लगेज। चल चल जेलसी हो रही है। चल चल निकल निकल शाबाश। चल जल्दी नहीं तो कप तोड़ूंगी तेरे सर पे। अरे यार मोमो उसको चाय तो पीने देनी थी, ये क्या बदतमीजी है। आप जरा अंदर तो चले, मैं आपको बताती हूँ कि बदतमीजी होती कैसे। मोमो चल। वेलकम बैक। आपको बताएं कातिल मौसम में केटू सर करने का मिशन पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा और साथियों से राबता। अरे क्या है मोमो, टीवी क्यों बंद कर दिया भाई? मैं खबरें सुन रहा था। और बस कर दे, खबरों के बहाने ये न्यूज एंकर की आंखों में खोए हुए थे। अच्छा, और तुम कहाँ खोए हुए थे नबील? ओ जानू मैं कहाँ खो सकता हूँ, मैं पापा जी की जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। अगर मैं खो गया तो पापा जी की जायदाद का क्या होगा? शट अप नबील। ओके जानू। बस पुत्र, अब मेरा इस आदमी के साथ वो नहीं हो सकता। वो क्या माँ जी झगड़ा? अरे वो तो आए दिन होता है भाई, इसीलिए आप मुझे कभी गिफ्ट नहीं देते। अरे तो जो होता है ना इंसान के पास उसी में गुजारा करना चाहिए। हाँ, मेरा भी आदमी के साथ गुजारा नहीं हो सकता कफील। नबील माँ जी। हाँ नबील के साथ भी नहीं हो सकता गुजारा। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? आप मेरी सहेली से मिले था ना? हाँ मिला था, बड़े गौर से मैंने उसे देखा था, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी वो। बस मुझे नहीं पता, मुझे भी अपनी सहेली की तरह गाड़ी चाहिए। आप गाड़ी लेके क्या करेंगी माँ जी? वही जो फरखंदा करती है। क्या करती है फरखंदा? वो मजे से यहाँ वहाँ टहाँ टहाँ गाड़ी चलाती फिरती है। अरे उसे गाड़ी चलाना जो आती है भाई। हाँ तो मैं भी सीख लूंगी ना जहाज चलाना। जाना बाबा जब सीख लोगी तो तब ले दूंगा तुम्हें नई गाड़ी। पहले वो खाए। वो क्या? कसम महमूद साहब कसम। पहले आप कसम खाए अफ्तखार। तो अच्छा बाबा मैं कसम खाता हूँ जब तुम गाड़ी चलाना सीख लोगी तो ले दूंगा तुम्हें नई गाड़ी। अरे वाह माँ जी वाह, माँ जी वाह 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 वाह। माँ जी सीधा 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 करें, सीधा करें माँ जी आगे। आ स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं। ओ माँ जी आगे खंबा है, खंबा है, खंबा बचाएं। ओ स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, स्पीड। ओ माँ जी, ओ माँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो रहा है ये सब? अरे जानू मैंने आधे घंटे में माँ जी को ना ड्राइविंग का एक्सपर्ट बना दिया है। भाई नीला इतना मजा आया ना गाड़ी चला के, अब तो अफ्तखार को मुझे गाड़ी दिलानी पड़ेगी। ये वीडियो गेम खेलने से आपको ड्राइविंग नहीं आएगी माँ जी। पूछ ले जमीन से कितनी तेज गाड़ी चलाई है मैंने। माँ जी मैं असली गाड़ी की बात कर रही हूँ, जब तक आप असली गाड़ी पे नहीं सीखेंगे ना ड्राइविंग नहीं आएगी आपको। तो जानू अपने पापा जी से कह के असली गाड़ी मंगवा दो ना। हरगिज नहीं नबील, मैं पापा जी से अब कुछ नहीं मंगवा रही। तू अपनी फूफो के लिए इतना नहीं कर सकती नुसरत। खूबसूरत? हाँ तू खूबसूरत फूफो के लिए इतना नहीं कर सकती शाना। मैं आपको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से इंस्ट्रक्टर बुलवा देती हूँ, वो आपको ड्राइविंग भी सिखा देगा और लाइसेंस भी बनवा देगा। ओ शाबाश, अब देखना बच्चों कैसे ड्राइविंग सीख के ना मुस्तकीम से अपने लिए गाड़ी निकलवाती हूँ मैं। जी आप कौन? मैं शादाब, आपको मेरा आदाब। कौन शादाब? मैं किसी शादाब को नहीं जानती। तो जान जाएंगी, बंदा बड़ा सादा मिजाज है। कौन बंदा? ये नाचीज बंदा। कौन सी चीज? चीज नहीं नाचीज। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे।
चलें किसी खुशगवार मुकाम पे, तसल्ली से बताता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अब कोई फजूल बात की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। अरे आप ही ने तो बुलाया था मुझे। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? ड्राइविंग सीखने के लिए। ओ, तो वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर तुम हो? तो फिर चलें आपको ड्राइविंग सिखा दूं। ड्राइविंग मुझे नहीं, मेरी सास को सिखानी है। आइए। आपको पता है कहाँ जाना है? आप जाइए। जी आइए। माँ जी इनसे मिलिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, और वो भी इस डिजाइन के। तावा तावा। ओहो माँ जी, ये आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। इनके ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन करवा दिया मैंने। मैं एक दिन में आपको ड्राइविंग सिखा दूंगा। अरे एक दिन में ड्राइविंग कौन सीख सकता है भाई? मम्मू साहब, अब आप गाड़ी दिलाने के लिए तैयार हो जाएं। अरे एक दिन में मुमताज गाड़ी सीख गई ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। हाँ मम्मू साहब, वैसे भी आपके बड़े सारे मुंह के साथ ना छोटा सा नाम महमूद सूट नहीं करता। शादाब, तू जो भी है गड्डी स्टार्ट कर, अभी तो मैं साइकिल पे आया। ओ भाई, माँ जी को साइकिल नहीं गाड़ी चलाना सिखानी है। तो गाड़ी तो है मगर पेट्रोल नहीं है। अरे तो तुम्हारी गाड़ी क्या पानी से चलती है? पानी के बिच्छू। नहीं चलती तो पेट्रोल से। लाइए 3,000 रुपए। जानू 3,000 रुपए दो जरा इसको। मैं क्यों दूं? महमूद साहब को देने चाहिए पैसे। भाई मैंने तो सिर्फ गाड़ी दिलाने का वादा किया था। कितने वो निकले हैं आप शहाब? कंजूस। नहीं कटिया। माँ जी आप टेंशन ना लें, आपका बेटा भी जिंदा है, आपके बेटे की बीवी देगी 3,000 रुपया। जानू प्लीज, जानू प्लीज, आई लव यू जानू, आई लव यू, आई लव यू टू बल्कि जानू, दे दो प्लीज। ये मैं भी थोड़ी देर में गाड़ी लेकर आता हूँ, और ये जब तक आप ये किताबें पढ़े। ये सब क्या है भाई? देखे थ्योरी टेस्ट होगा तभी तो ये अच्छी ड्राइवर बनेंगी। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी माँ जी को। आप जाएं गाड़ी लेकर आए। जाए 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 जाए। ले भाई माँ जी। अपने मिये को पढ़ा दे शमेला। आपने पढ़ना है। तुमने ड्राइविंग सीख ली। मैंने पढ़ना। तुमने पढ़ना ही है। देखो नहीं नहीं पढ़ा। ये सब याद भी करने हैं। नहीं चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी भले, उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। शुरू करें आंटी। अपने से ज्यादा कम से लड़की को देख के आंटी कहते हैं तेरी ज़बान टेढ़ी हो जाएगी। स्टार्ट तो करें। एक बार मैंने गालियाँ स्टार्ट कर दी ना तुझे देनी, तो तेरे कानों में से धुआं निकल आएगा। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। कौन सी गाड़ी? जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा तो ये ले। मुझे लगता है धक्का देना पड़ेगा। खबरदार जो मुझे धक्का देने की कोशिश की हो तो। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी को धक्का देता हूँ मैं। लगता है मार दिया बेचारे को। अरे आंटी 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 ये क्या किया? अरे उठाओ उसको यार, उठाओ उसको। अबे आंटी ना। अरे वो उधर भाग गए आंटी। आंटी अरे उठाओ पहले आंटी। माँ जी इतनी जल्दी वापस आ गई आप? देखा मैं मूसा, मेरी माँ को देखा कितनी टैलेंटेड है, आधे घंटे में गाड़ी सीख के आ गई है। आप चले, आप जल्दी से ना ब्रांड न्यू गाड़ी बुक करें। वो जो मुझे ब्रांड न्यू बुक करवानी है वो गाड़ी है। हाँ जी। ए, वो मर गया मसूद। महमूद महमूद महमूद। हाँ महमूद मर गया। ओ माँ जी क्या हो गया आपको? ये रहा आपके बड़े मुंह वाला बल्कि उड़ने वाला सांप, कम गुरीला कम न्योला। क्या तुमने कम 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 लगा रखी है भाई? अभी मैं जिंदा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ दलावल,
क्या हुआ माँ जी, कहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया किसी से? हाँ हाँ, जमीला मेरी गाड़ी के आगे ना वो आ गया था। वो क्या, कुत्ता? नहीं पुत्र, वो जो मांगते मांगते लटक जाता है ना। बंदर माँ जी? नहीं नहीं पुत्र, वो जो पैसे मांगते फिरते ना हर वक्त। अरे कहीं तुमने किसी पुलिस वाले को तो नहीं उड़ा दिया गाड़ी से? नहीं नहीं मसूद, जो घर घर जाके मांगते है ना। फकीर? हाँ हाँ फकीर, मेरी गाड़ी के नीचे फकीर आ गया है पुत्र। नबील जाओ देखो कौन है बेल बजी। नहीं नहीं दरवाजा ना खोलना, बाहर पुलिस होगी, पुलिस मुझे वो कर लेगी। गिरफ्तार? ओहो चल के तू देखे ना, दरवाजा नहीं खोलेंगे लेकिन देख तूने कौन है। आए, आए, आए। नहीं अरे अपनी सारी बाकी की जिंदगी पिंड में गुजारना। मेरी फिक्र मत करना, अरे तुम्हें फांसी से बचाने के लिए तुम्हारी जुदाई का ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हूँ। अरे तू किसने कहा था उस फकीर बेचारे पे गाड़ी चढ़ा दे? मैं देखती हूँ। नहीं अफशा, तुझे वकील की कसम दरवाजा ना खोलना, बाहर पुलिस होगी। अरे मोमो मैं तो कहता हूँ सरेंडर कर दो, हो सकता है तुम्हारी सजा कम हो जाए। ये तो शायद आपका फोन है भाई। ये जरूर पुलिस लेकर आएगा। ओए फोन ना उठाना, ना उठाना। माजी कंट्रोल करे, रिलैक्स हो, मैं बात करता हूँ यार। ओ मुझे तो जानू, मुझे तो माजी चुप कर दे, चुप कर दे। हेलो। अरे भाई मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो दरअसल भाई हम घर पे नहीं है, वो बेसिकली इमरजेंसी हो गई थी, हम लोग लाहौर आ गए। अरे अभी थोड़ी देर पहले मुमताज आंटी घर बाकी है। हाँ हाँ उसी वक्त तो हम अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के लाहौर आ गए। बताया तो है इमरजेंसी हो गई थी यार, पापा जी गिर गए बाथरूम में। हाँ हमारे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा था ना छत पे हमारी, वो मेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट किया था पिछली साल गिरा पे। क्या बकवास कर रहे हो नबील? अच्छा मैं फिर बात करता हूँ, मैं वापसी का प्लान बता दूंगा, फोन कर दूंगा। ओके बाय। अरे मेरी बात सुन। जानू वो बाहर ही खड़ा था, मुझे लगता है हमें ब्लैकमेल करने आया था, एक्सीडेंट का वाहिद गवाह है वो यार। अंदर आ जा, अंदर आ जा। ओ माँ जी बस कर दे यार, रोना बंद करें माँ जी। अच्छा चले एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ना वो जालिम सास वाला ड्रामा लगाता हूँ। मैं लगाता हूँ, ये देखिए ये ले। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, आज हुआ एक शहर में अफसोसनाक वाकिया। दिन दिहाड़े एक नामालूम औरत ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से बड़े ही बेरहमी के साथ एक फकीर को कुचल डाला। नामालूम औरत फरार है, मगर इंस्पेक्टर भट्ट ने यह दावा किया है कि वह चंद घंटों में ही उस नामालूम औरत को पकड़ के सलाखों के पीछे धकेल देंगे। भाई नसरीन अब मैं क्या करूं, मुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाना। ओ माँ जी टेंशन ना ले, अभी आपका बेटा जिंदा है। हाँ ये आइडिया अच्छा है। कैसा आइडिया मैं हूँ साहब? भाई अभी खुद ही तो तुम कह रहे थे कि तुम जिंदा हो, ये इल्जाम तुम अपने सर ले सकते हो। क्या? हाँ भाई तुम पुलिस से कह देना कि गाड़ी तुम चला रहे थे। अरे तुम बेटे हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। आप सुहाग है, शौहर है, आपका हक ज्यादा बनता है। तुम ये इल्जाम अपने सर लोगे, बस आप लेंगे ये इल्जाम अपने सर, और आपके जेल जाने के बाद मैं अपनी प्यारी माँ का बेहतरीन ख्याल रखूंगा। भाई अभी तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, कल सोचेंगे। भाई मुझे बस ये बता दो कि मेरा इल्जाम तुम तीनों में से कौन अपने सर लेगा। मैंने अलमारियाँ ठीक कर दी हैं। नबील नबील ये दुनिया कितनी घटिया है, किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, बस सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह किया करो, एक्सीडेंट ना किया करो। उठी ना इशफाक? क्या है मोमो, सोने दो। मुझे नींद नहीं आ रही है। सो जाओ मोमो, जेल में तुम्हें ऐसा बिस्तर नसीब नहीं होगा। फिर जेल में क्या नसीब होगा इफ्तिखार? दो वक्त का खाना जिसमें होगी पत्ते।
पतली पानी दाल और सख्त वाली रोटियां और जमीन पे लगा बिस्तर। मुझे तो कम से कम 7-8 वक्त का खाना चाहिए होता है। आप तो और महमूद हो। हाँ, आप जाके पुलिस से कहे कि आप महमूद हैं और आपने उस बंदे को मारा है। अरे वाह, मैं क्यों बोलूं भाई इतना बड़ा झूठ। आप मेरे लिए इतना छोटा सा वो नहीं बोल सकते। हरगिज नहीं, और वैसे भी पुलिस मेरा मासूम सा चेहरा देखकर मानेगी ही नहीं कि उस बंदे को मैंने एक्सीडेंट करके मारा है। तुम ऐसा करो, तुम ना नबील को जाकर मनाओ। आप बड़े बेवफा हैं जमाल, मेरा अकेली मेरे लिए काफी है। तुम फिकर नहीं करो मोमो, मैं हर हफ्ते तुम्हें जेल में मिलने आया करूंगा अगर दूसरी बीवी ने इजाजत दी तो। दूसरी बीवी? आपको पकड़ने माँ जी, पुलिस आ भी गई थी तो आप चली जाती ना, हम सुबह आपसे जेल में मिलने आ जाते। पुत्र मुझे नींद नहीं आ रही है। ओ माँ जी, अब इस घर में ना आखिरी रात है आपकी, आराम से जाके सो जाएं यार, नींद पूरी करें। पुत्र तू मेरा वो अपने नाम ले लेना। माँ जी आपका बैंक बैलेंस, वो मैं अपने नाम लेने के लिए तैयार हूँ। माँ जी का कौन सा बैंक बैलेंस है नबीर? क्या पता जानू, माँ जी ने कोई बुरे वक्तों के लिए बचा के रखा हो। माँ जी क्या बचा के रखा है आपने यार? पुत्र वो आधा समोसा था ना, वो टिश्यू में लपेट के ना तो फ्रिज में सब्जी वाले खाने में बचा कर रख दिया। माँ जी सोने देना यार, माँ जी सुबह आपको लेने पुलिस आएगी, आपके सर पे मर्डर का इल्जाम है। इल्जाम? पुत्र मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लेना। ओ माँ जी बस कर दे यार, अभी तो मैंने जिंदगी में बड़े काम करने हैं यार, जेल चला जाऊंगा मेरा तो सारा करियर तबाह हो जाएगा। कौन सा करियर नबी? ओ जानू अभी सोऊंगा ना, सुबह बता दूंगा तुम्हें उठ के, ठीक है? ओके बाय। ओए तफो जे, तफो मत परम नाफरमान। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल पे चलते हैं दरिया के पार, उस पार की देखी जाएगी भले, उस पार निकलते हैं यार बबल बनाए, चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए। हेलो, कौन है? आखिर आपने फोन उठा ही लिया, आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं ना घर पे हूँ, फ्रिज के नीचे। अच्छा तो आप लोग घर पे हो और मुझे झूठ बोला कि आप लोग लाहौर गए हुए हो। वो अकील जो है ना मेरा बेटा, वो बड़ा झूठा है, तू उसे आके पकड़ के ले जा। मुझे उससे क्या लेना देना, गलती आपने की, आप भाग नहीं सकती। हाय तुझे कैसे पता चला कि मैं भागने का सोच रही हूँ? मैं आपको भागने नहीं दूंगा, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ अंदर। अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, मैं तो अंदर हूँ ही नहीं बच्चू। मुझे पता है आप लोग अंदर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अंदर आ रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे वो आंटी अंदर है, दूल्हा भाई उसे छोड़ना नहीं। अबे तुझे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी पे मुझे दूल्हा भाई रखा कर। मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ कि मैं आपका साला हूँ, और आप मेरी तरफ रहना, बुलबुले की टीम को देख के बदल नहीं जाना। यार ये पुलिस कब आएगी, मैंने तो कब से दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। ओ ये क्या कह रहे हैं मैं मुसाब, आप जमील जमील वो जट साहब को ला रहे हैं मुझे वो बनाने के लिए। वो क्या माँ जी? वो जो गोल गोल होती है चूड़ी। जट साहब माँ जी को चूड़ी क्यों पहनाएंगे, वो हथकड़ी की बात कर रही है। हाँ हाँ साहब मुझे हथकड़ी पहनाने आए। अच्छा अच्छा ये अरे भट्ट साहब गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को, यही है वो नामालूम औरत जो फकीर को मार के भागी हुई है। नहीं नहीं वो फकीर जिंदा है, जिसे ये गाड़ी से टक्कर मार कर भागी थी उसे मैं अस्पताल ले गया, मरहम पट्टी करा दी थी मैंने। तो फिर भट्ट साहब को क्यों लेकर आए हो तुम? पैसे लेने आए हो, मेरी गाड़ी का नुकसान भी कर दिया और मेरी फीस भी नहीं दी। चलो भाई निकालो इसके पैसे दो फौरन। हाँ मैं देती हूँ।
पैसे, इसने मेरी रातों की नींद वो कभी चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के बाद।